एक काम करते हैं, अब एक फ्रेश ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं क्विक सिंगल्स की, और गाबा जी आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लूपिन जो आपकी कॉल थी, मेरे ख्याल से जबरदस्त 2.5% का मूव, आपके टारगेट्स क्या थे इसको रिवाइज कर दीजिए और इस समय की आपकी क्विक सिंगल ट्रेड भी बता दीजिए। लुपिन का जो टारगेट था 750 का था, अब ट्रेड हो टारगेट अचीव हो चुका, 751 पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। ये फ्रेश ट्रेड लेना है तो वो भी ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि लुपिन काफी स्ट्रेच हो चुका था, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में स्ट्रेच हो चुका था, बाउंस की जरूरत थी और बाउंस मिल गया। अब टारगेट क्या होंगे? 760 के वहां तक जाने चाहिए, स्टॉप होगा करीब 745 का। ठीक है, लुपिन के लिए अब अपने ऑन है। स्टॉक जो मुझे इस वक्त अच्छा लगता है वो है HUL। ध्यान देना चाहिए HUL, लगता है साइडवेज जोन है, अपने मिलना चाहिए यहाँ पर। ट्रेड कर रहा है 2545 पर, टारगेट होगा 2580, स्टॉप होगा 2520 HUL। ओके, HUL पर अब बाय करिए। तो देखिए वो टारगेट तो मीट हुआ उसका जो लुपिन का। अच्छा, शायद एक लॉरस पर एक कोटक की रिपोर्ट है, यतिन सेल का एक टारगेट आया है 350। हाँ, 350 का टारगेट दिया है उन्होंने, उसको डाउनग्रेड किया है, और उन्होंने जो उसका कारण लिखा है वो लिखा है उन्होंने काफ़ी अर्निंग्स को वो किया है, जो पैक्सलोविड की सेल्स हैं उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि वो काफ़ी अंडर अप्रिशिएटेड हैं, और उसके जो ट्रबल्स हैं अंडर अप्रिशिएटेड हैं वो बोल रहे हैं, और उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया है। इसके लिए 34% का उन्होंने EPS का जो है वो एक डाउनग्रेड किया है, तो एक सेल है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स रेड में आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है ये। मानस, आपका क्विक सिंगल? अनु जी, बैंकिंग स्टॉक में RBL बैंक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए दो दिनों से स्टॉक 151-152 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 152 रुपए के ऊपर निकला है। मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट भी काफी बढ़े हैं और वॉल्यूम्स भी बेहतर दिख रहे हैं, तो आई थिंक RBL बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 150 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है और 160 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पर आप 155 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, ये है कॉल RBL बैंक पर। एक गाबा जी का लूपिंग का दूसरा टारगेट भी हिट हो गया एक्चुअली, 760 का जो उन्होंने टारगेट दिया था वो भी एक हिट हो गया है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। काम करते हैं एक्चुअली, एक बार यतिन के पास चले ये लॉरस लैब्स, क्योंकि काफी टूट रहा है, 5% नीचे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यतिन, क्या हुआ एकदम से 5% नीचे? बिल्कुल, आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।